लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस जुटाता है। गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो यार 1988 से शुरू करके 99 तक जो जो क्वेश्चंस पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस को पहले समझो, फिर लगन लगा के दिल से, ठीक है, सिंसियरिटी के साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस करो। तो यार प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शन, परफेक्शन विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस स्टेप्स ऑफ PYQ प्रॉपरली। तो यार सो इफ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, इफ यू वांट टू चेंज योर फॉर्चून्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस PYQs प्रॉपरली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोरथकमिंग JEE एडवांस एग्जाम। Now the value of theta is equal to 0 and theta equal to pi by 2 and satisfying the equations is this equal to 0 or this. So that means that theta value 0 से pi by 2 का बीच में है। जब ऐसा होगा कलम वाइज ऐड कर दो। सो ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर यहीं से 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा कॉमन ले लिया लाइक दिस। अभी क्या, फर्स्ट रो को फिक्स करो एंड R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 अप्लाई करो, यू विल गेट दिस। और यू वो एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज 1 है। 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। तो यार माइनस आप कहाँ पे होगा, सो दैट इज इस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 7 पाई बाई 6, थीटा का वैल्यू 7 पाई बाई 24 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, आपको ये क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Now, if A is not equal to P, B is not equal to Q, C is not equal to R, and D is equal to this equal to 0, then you will find out the value of this. 91 में पूछा गया था। तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, R1 is R1 minus R2, R2 is R2 minus R3, and then इसको एक्सपांड कर दो, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। तो यार यहीं से क्या है, देखो, सो दिस इज R minus C, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया, ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, दोनों ही माइनस ले लिया, एंड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, सो यू विल गेट दिस, एंड दोनों साइड 1-1 ऐड कर दिया। देखो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम में क्यू ऊपर चल जाएगा क्यू बाई क्यू माइनस बी, इसका एलसीएम में पी ऊपर चल जाएगा, और ये तो ऐसा ही है, सो दैट इज इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, पहले क्वेश्चन को समझो फिर दिल से प्रैक्टिस करो। XYZ का वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 93 का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, log a to the base b equal to log a by log b, नंबर बेस सेम होगा, सो दैट इज 1, एंड फिर log y by log x, log z by log x, तो इसको log x by log x कर लिया। सिमिलरली log z by log y, log x by log y, इसको log y by log y कर दिया। सो ये फर्स्ट रो से 1 by log x कॉमन लिया, सेकंड रो से 1 by log y, एंड थर्ड रो से 1 by log z, सो एवरी वैल्यू क्लियर, एवरी रोज आर सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, इसे पहले समझो फिर दिल से लगन लगा के क्लियर सिंसियरिटी का साथ प्रैक्टिस करो। सो फॉर ऑल ए बी सी पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, दिस इज ए 94 में पूछा गया था। सो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस क्यू ए माइनस आर, सिमिलरली लाइक दिस, यू कैन राइट दिस वन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करो, सो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, एंड सो दिस इज 0, कॉस ए कॉस पी साइन ए साइन पी, सो दैट इज कॉस ए माइनस पी। तो यार सो दिस इज कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, सो कॉस ऑफ ए माइनस आर, सिमिलरली यू कैन राइट लाइक दिस। तो यार यही पे क्या है, रो टू रो का तो यार प्रोडक्ट फाइंड करोगे, इसका वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, सो द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, सो दैट इज इक्वल टू 0 है। ए 94 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, आप सिंसियरिटी का साथ लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। Now, if omega be a cube root of unity, then del is equal to this. 95 में पूछा था, तो मैंने ये दोनों में ऐड कर दिया। ये दोनों में जब ऐड करोगे, R1 plus R3, so you will get this. उसके बाद क्या किया? R1 minus R2 किया, so you have got this. 1 plus omega plus omega square, तो 0 है. If every element of a row or column is 0, value of a determinant is 0. So, ये option is the right choice है. ये 95 में पूछा था. पहले इसे समझो, फिर लगा लगा के दिल से practice करो. Now, for A is positive, B is positive, the value of the determinant is this. A 96 में पूछा गया था. Clear? So, my dear friends, इसका LCM ले लो. ठीक है? जब LCM ले लोगे, clear? So, that means what you will take common? A into A plus D into A plus 2D. यही से
a plus d, a plus 2d, a plus 3d, कहीं से a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d कॉमन लिया, so like this you have got this, ठीक है? अभी आपको क्या करना है देखो, clear a दोनों में subtract किया, so this is 2d, 2d, 2d and so this, ठीक है? उसका बाद क्या है, 2d को कॉमन ले लिया, यानी इसको मैंने x consider कर लिया, 2d by x equal to this, first row को fix कर दिया, subtract कर दिया, so you have got this, इसका बाद यहीं से इसको expand कर दो, you will get for clear 44 by यहीं पे जो x था, x का वैल्यू मैंने इसको x कंसीडर किया था, सो लिख दिया द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज दिस। ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, पहले समझो फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बी सी सी ए बी पी क्यू आर 111 और ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पी एच क्यू एच आर आर एच टर्म्स ऑफ एच पी। 97 में पूछा था ए बी सी आर इन एच पी, सो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी, 1 बाई ए इज इक्वल टू मैंने ए पी एच टर्म है, सो लाइक दिस। ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस है, तो यहीं से फर्स्ट रो से ए बी सी कॉमन लिया, सो यू हैव गॉट दिस एंड मैंने पुट कर दिया। सो इफ क्लियर एवरी एलिमेंट क्लियर फर्स्ट रो सम ऑफ टू टर्म्स, सो यू कैन राइट सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, सो लाइक दिस, ठीक है? ए पी क्यू आर 111 क्लियर एंड यहीं से डी कॉमन ले लिए ए बी सी डी, सो लाइक दिस। देखो इफ यू टेक कॉमन ए, ये दोनों रो आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू जीरो है, ये दोनों में सबट्रैक्ट कर दो क्लियर, पी माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, ये दो रो आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू भी जीरो है, ए जीरो सो दैट इज इक्वल टू जीरो है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, पहले इसे समझो फिर लगा के प्रैक्टिस करो। नाउ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डेल इज इक्वल टू दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन इज फोर ऑप्शन इज देयर इन 97 में पूछा था, तो आप सिंपली इसको एक्सपांड कर दो, मैंने सिंपली एक्सपांड कर दिया दिस इनटू दिस माइनस दिस, तो साइन पी प्लस डी माइनस पी ए, देखो ए पी पी कैंसिल है, यहीं पे पी पी कैंसिल है, यहीं पे वी पी पी कैंसिल है, सो हैव यू गॉट साइन डी एक्स माइनस ए साइन टू डी एक्स ए स्क्वायर साइन डी एक्स क्लियर। यहीं पे देखो एक्स भी है डी भी है ए भी है, लेकिन पी तो नहीं है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पी, सो दिस इज बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। 97 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, पहले इसे समझो फिर मन लगा के दिल से, ठीक है, सिंसियरिटी का साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस करो। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर पी इज ए कांस्टेंट देन ए ट्रिपल डैश जीरो, ये 98 में पूछा था, पी पी प्लस पी स्क्वायर पी प्लस पी क्यू एन इंडिपेंडेंट ऑफ पी, जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट क्या है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, ये दोनों को फिक्स रखा, प्लस फर्स्ट को फिक्स किया फर्स्ट एंड थर्ड को, सेकंड का डेरिवेटिव देखो जीरो है इसलिए जीरो लिख दिया, फिर ये दोनों को फिक्स किया इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका भी वैल्यू जीरो है, सेम वे और एक बार डिफरेंशिएट किया तो यार दिस इज 6x माइनस sin x माइनस cos x, सो लाइक दिस, इसका भी वही सेम जीरो एंड सो दिस इज जीरो, और एक बार डिफरेंशिएट किया दिस इज 6 माइनस cos x माइनस sin x ये भी जीरो जीरो जीरो। अभी हमें ये फाइंड करना था ए ट्रिपल डैस जीरो, एक्स का जगह पे जीरो पुट कर दिया 6 माइनस 1 0, ये जो दो रो है ये दो रो आइडेंटिकल है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट सो दैट इज इक्वल टू 0 है, सो इसका जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ पी है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, पर इसे समझो लगन लगा के दिल से सिंसियरिटी का साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस करो। नाउ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 1xx + 1 सो लाइक दिस 2xx into x minus 1 x into x plus 1 and this then f of 100 का वैल्यू क्या होगा 0 100 minus 100 ये 99 में क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने क्या किया देखो यहीं से x कॉमन लिया और यहीं से x into x minus 1 को कॉमन ले लिया, सो x square into x minus 1 सो यू हैव गॉट दिस। अभी क्या करना है यहीं से x plus 1 कॉमन ले लिया, इसका सब मल्टीप्लाई कर दो x square minus 1 सो लाइक दिस। अभी यहीं पे क्या किया सो दिस इज वेल R2 minus R1 and R3 is, so this is R3 minus R1. ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया सो लाइक दिस, सो दिस इज अभी इधर से एक्सपांड किया माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो, एफ एक्स का वैल्यू जीरो है तो एफ ऑफ 100 का वैल्यू क्या होगा सो दैट वन शुड बी जीरो है, क्लियर? ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ये जेई मेन में भी काफ़ी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन को पहले समझो मन लगा के दिल से लगन से सिंसियरिटी का साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस। So my dear friends, you have gotten most important PYQ questions from matrices and determinant from 1988 से 1999 में जो questions पूछा गया था उसका presentation आपको मिला है, आपका duty बनता है ये सारे questions को पहले समझो फिर लगन लगा के दिल से sincerity का साथ smart way practice करो जब तक सफल ना हो तुम।
नहीं चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस PYQs प्रॉपरली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग जेई एडवांस एग्जाम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय मैसेज चैनल।